क्लास 11 कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 5 द नेम ऑफ द चैप्टर इट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस इट इज लेक्चर नंबर 3 एंड नाउ लिसन टुडे आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक दैट इज आउटसोर्सिंग द मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग इज टू अरेंज एनी टाइप ऑफ सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड नॉट फ्रॉम बिजनेस बट फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस Outsourcing, business process outsourcing, concept, need and scope, this will be done. See, outsourcing is yet another trend that is radically reshaped. Radically money all over Sansar, all over world. Outsourcing is yet another trend, it is another style way that is reshaping the business. I have tried my best, I should say, that many small, small quantity I have taken so that there should not be any type of doubt. This chapter is really a little bit hard to understand. Outsourcing refers to a long-term contracting out, generally, of the non-core and of late even some of the core activities to captive or third parties. At least with a view to benefiting from their experience and expertise, efficiency and even investment. And now listen, यहाँ समझना पड़ेगा आपको. देखिए, see, outsourcing refer करता है किस चीज के लिए, कि आप long term contract ले रहे हैं, and that long term contract जो हम ले रहे हैं, that is done for non core activities. Non-core activities are those activities which are not the main part of any organization. If I take the example of school, in school there are so many activities which are done. I am taking cleanliness, washrooms ki safai karna. So washrooms ki safai karna is non-core. और किसी स्कूल में पढ़ाना पढ़ना, दीज ऑल एक्टिविटीज दे आर कोर. कोर माने मेन, और नॉन कोर माने जो मेन नहीं है. आउटसोर्सिंग रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग. एंड नाउ लिसन, इफ द वॉशरूम्स ऑफ द स्कूल आर वेरी डर्टी, नो स्टूडेंट विल देयर टू यूज. सो दैट द सी द थ्री वर्ड्स दोज आर रिटन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग. एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ लॉन्ग टर्म, ये नहीं है कि वॉशरूम आज अगर हम साफ हो गया तो बस बहुत दिनों तक चलेगा, ऐसा ही बिल्कुल नहीं. व्हेन एनीबॉडी द स्टूडेंट व्हेन दे विल यूज वॉशरूम दे विल बिकम अगेन डर्टी. इसलिए शब्द आया है, देखिए, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग. कोर एक्टिविटीज मेन एक्टिविटीज है, नॉन कोर एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट मेन बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वॉशरूम किसी स्कूल में खाली वॉशरूम की सफाई करना कोर एक्टिविटी नहीं है, नॉन कोर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ वॉशरूम्स आर वेरी डर्टी देन डेफिनेटली द स्टूडेंट्स विल फॉल वेरी मच सिक, बीमार हो जाएंगे, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है. देयर कैन बी सो मैनी इन्फेक्शंस दैट कैन हैपन टू द स्टूडेंट्स. आउटसोर्सिंग रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग आउट. जनरली साधारणतया हम क्या करते हैं, नॉन कोर एक्टिविटीज को हम आउटसोर्स करते हैं. आउटसोर्स करना मीन टू अरेंज फ्रॉम आउटसाइड. एंड लिसन वन मोर थिंग, और एंड लेट इवन माने, और कई बार जरूरत पड़ सकती है लेट इवन माने बाद में. सम ऑफ द कोर माने जो हमारा मेन काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको भी हम आउटसोर्स करते हैं. एंड दैट आउटसोर्सिंग इज डन विद कैप्टिव और थर्ड पार्टीज. अब हमने ये क्यों किया, so that we can get the benefit from their experience and expertise, क्योंकि वो experts हैं, वो experienced हैं. When they are very much experienced, when they are very much expertise, they have efficiency, and then in that case what can be done, even the core activities can be outsourced. And even investment means, देखिए, अगर school में हम किसी बहुत अच्छे लेक्चरर को बुलाते हैं टू गिव सम लेक्चर ऑन सम टॉपिक, इट विल गिव बेनिफिट टू द स्टूडेंट्स एंड रियली दैट विल बी द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. द मोर नॉलेज यू हैव द मोर इंटेलिजेंट द स्टूडेंट्स विल बी.
एंड दैट इज रियली द इन्वेस्टमेंट। अब नाउ मूव ऑन टू द फीचर, द सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, दे आर एज फॉलोज। एंड नाउ लिसन, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, थोड़ा सा डिफिकल्ट है चीजों को समझना, बट दे आर नॉट जस्ट इम्पॉसिबल, यू विल अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर वन, आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। लिटरली आउटसोर्सिंग मीन्स टू आउटसोर्स फ्रॉम आउटसाइड रादर देन डूइंग इट इन हाउस। इन हाउस का मतलब है सेम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम ना करवा के वो काम हमने बाहर से करवाया। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कंपनीज हैव सो फार अपॉइंटेड देयर ओन सैनिटेशन स्टाफ फॉर मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड ओवरऑल हाउस कीपिंग ऑफ देयर प्रेमिसेस। नाउ मोस्ट ऑफ द कंपनीज रियली, इवन इन आवर स्कूल यू कैन सी देयर आर सो मेनी स्वीपर्स। इट मीन्स वट एवर इज द वर्क फॉर सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस एंड ओवरऑल हाउस कीपिंग, ऑल द गार्डनर्स, माली लोग सब अपने स्कूल में हैं। दे पीपल हैव बीन अपॉइंटेड। देन सी द सेम थिंग इज रिटन, आई हैव जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कंपनीज हैव सो फार अपॉइंटेड देयर ओन सैनिटेशन स्टाफ एज इट इज डन इन आर स्कूल वेस्ट अकेडमी फॉर मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड ओवरऑल हाउस कीपिंग ऑफ देयर प्रेमिसेस। इट मीन्स नाउ द रादर देन टू आउटसोर्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज फॉर्म्स दे हैव अपॉइंटेड देयर ओन स्टाफ फॉर सैनिटेशन फॉर हाउस कीपिंग एक्सेट्रा। द सैनिटेशन एंड हाउस कीपिंग फंक्शंस वर बींग प्रोड्यूस्ड इन हाउस, बट ऑफ लेट मैनी कंपनीज हैव स्टार्टेड आउटसोर्सिंग दीज एक्टिविटीज। बिफोर इट वॉज सी, घरों को भी अगर आप लेते हैं सी, बिफोर वी हैड वेरी लेस मेड्स, जो काम करते हैं लोग घर में वो लोग नहीं हुआ करते थे, बट ऑफ लेट मैनी कंपनीज हैव एनओसी, द सेम हैज बीन स्टार्टेड इवन एट होम। बट ऑफ लेट मैनी कंपनीज हैव स्टार्टेड आउटसोर्सिंग दीज एक्टिविटीज। एंट्रस्ट होता है बेटे सौंप देना, दे हैव एंट्रस्टेड आउटसोर्सिंग एजेंसीज। हमने लोगों जो जिन लोगों की मुझे जरूरत है वो कहाँ से मुझे मिलेंगे, आई विल गेट दैट फ्रॉम आउटसोर्सिंग एजेंसीज। तो मैंने वो काम आउटसोर्सिंग एजेंसीज को सौंप दिया है टू परफॉर्म एक्टिविटीज फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। इट मीन्स वट एवर वर्क दे विल डू दैट विल बी डन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, मीन्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डन फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। बट ऑफ लेट का मतलब है बेटे बाद में, बट ऑफ लेट मैनी कंपनीज, लेकिन बाद में अब कंपनीज ने क्या किया है, दे हैव स्टार्टेड आउटसोर्सिंग दीज एक्टिविटीज। एंड दोज एक्टिविटीज विच आर बीन आउटसोर्स्ड, दोज आर सैनिटेशन एंड हाउसकीपिंग। बट ऑफ लेट मैनी कंपनीज हैव स्टार्टेड आउटसोर्सिंग दीज एक्टिविटीज, दैट इज दे हैव एंट्रस्टेड, उन्होंने सौंप दिया है आउटसोर्सिंग एजेंसीज को टू परफॉर्म एक्टिविटीज फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज दे आर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज डन फॉर हाउ मेनी डेज, मंथ्स, ईयर, वट एवर, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड नंबर, जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स्ड। इफ इन स्कूल देयर इज एनी एनुअल फंक्शन, इन दैट केस सम पीपल, सम पर्संस, दे विल बी हायर्ड, दोज हु विल टीच द स्टूडेंट्स हाउ टू डांस, बिकॉज टू टीच डांस इज नॉट द कोर एक्टिविटी ऑफ एनी स्कूल। इट इज लाइक दिस, सी, जो हमारी नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको हम आउटसोर्स करते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिए, नॉन कोर माने जो हमारे व्यापार का हिस्सा नहीं है, दैट इज नॉन कोर। सी सेकेंड नंबर, जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स, सैनिटेशन एंड हाउस कीपिंग फंक्शंस आर नॉन कोर फॉर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, मीन्स इतने इम्पोर्टेंट ये काम है। इफ सैनिटेशन वर्क इज नॉट डन प्रॉपरली, अगर झाड़ू पोछा ढंग से नहीं हुआ है तो आप काम कर ही नहीं पाएंगे, ना वॉशरूम्स यूज कर पाएंगे, ना ऑफिस में बैठ पाएंगे। सो दीज एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट,
इवन आफ्टर बिकमिंग नॉन कोर, उसके बाद भी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स फॉर, अब ये देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है म्यूनिसिपैलिटीज एंड सैनिटेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, इनके लिए ये काम कोर एक्टिविटी है, बट द पर्सन इफ आई डिस्कस अबाउट द स्कूल, फॉर स्कूल इट इज अ नॉन कोर एक्टिविटी, सैनिटेशन है हाउसकीपिंग है दोनों ही। ऑफ कोर्स फॉर म्यूनिसिपैलिटीज एंड सैनिटेशन प्रोवाइडर्स दीज एक्टिविटीज कंप्राइज द कोर ऑफ देयर बिजनेस एक्टिविटीज। म्यूनिसिपैलिटी का तो काम ही सफाई करवाना है, तो उनका तो कोर एक्टिविटी सफाई का काम कराना हो गया, और सैनिटेशन ये दोनों ही काम, बोथ द वर्क्स। ऑफ कोर्स फॉर म्यूनिसिपैलिटीज एंड सैनिटेशन सर्विस प्रोवाइडर्स दीज एक्टिविटीज कंप्राइज द कोर, कंप्राइज बना देते हैं, कोर माने जो उनका बेसिक नेचर है काम का, द कोर ऑफ देयर बिजनेस एक्टिविटी। इन अदर वर्ड्स, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट बिजनेस अ कंपनी इज इन, देयर विल बी सम एक्टिविटीज दैट आर सेंट्रल एंड क्रिटिकल टू इट्स बेसिक। अब ये देखिए उन्होंने क्या लिखा है सी, कि जो भी हमारे काम का नेचर है, देयर विल बी सम एक्टिविटीज दैट आर सेंट्रल क्रिटिकल टू इट्स बेसिक बिजनेस पर्पस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल है करना जिनको, लेकिन वो बेसिक एक्टिविटीज है। फॉर ईच टाइप ऑफ, फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस, लिसन, दिस सैनिटेशन का जो क्लीनलीनेस है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज सेंट्रल, बहुत मेन है, क्रिटिकल माने मुश्किल है उस काम को करना। देन व्हाट विल बी डन इन दैट केस, आउटसोर्सिंग विल बी डन। इन अदर वर्ड्स, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट बिजनेस अ कंपनी इज इन, वो जिस भी व्यापार में हो सकते हैं वहां पर कुछ एक्टिविटीज जरूर ऐसी होंगी जो कि सेंट्रल है और मुश्किल है टू इट्स बेसिक बिजनेस पर्पस, बेसिक बेसिक बिजनेस पर्पस नहीं है, बट दोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अदर एक्टिविटीज में बी रिगार्डेड एज सेकेंडरी और इंसिडेंटल टू फुलफिल दैट बेसिक पर्पस। द पर्पस ऑफ अ स्कूल फॉर एग्जाम्पल इज टू डेवलप अ चाइल्ड बाई मीन्स ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, क्लियरली दीज एक्टिविटीज कंप्राइज द कोर एक्टिविटीज। एंड नाउ लिसन, वट एवर आर द मेन एक्टिविटीज डन इन स्कूल, दोज ऑल एक्टिविटीज दे आर रियली कोर एक्टिविटीज, वो हमारी कोर एक्टिविटीज है। दे सी अदर एक्टिविटीज मे बी रिगार्डेड एज सेकेंडरी और इंसिडेंटल टू फुलफिल दैट बेसिक पर्पज, वो बिल्कुल हो सकते हैं, दे कैन बी सेकेंडरी, दे कैन बी इंसिडेंटल, बट दे आर कोर एक्टिविटीज। सी फॉर एग्जाम्पल, वेन द मैटर इज ऑफ द स्कूल, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्कूल टू डेवलप अ चाइल्ड बाय मीन्स ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज फॉर फ्रॉम ऑल द साइड्स, ऑल फोर साइडेड प्रोग्रेस, दैट इज द कोर एक्टिविटी फॉर एनी स्कूल, क्लियरली दीज ऑल एक्टिविटीज कंप्राइज द कोर एक्टिविटीज। And now listen, see, running a cafeteria or a canteen or a bookstore is non-core activities for a school. Cafeteria चलाना स्कूल का काम नहीं है, इसलिए ये काम non-core है। Canteen चलाना स्कूल का काम नहीं है ही नहीं, लेकिन they are doing for the advantage of the students, that is correct. अगर bookstore है स्कूल में, वो भी non-core activities है। If any type of cafeteria or canteen or a bookstore is run by the school, these all activities they are non-core activities for any school. And now listen, see, as the organizations venture to experiment with outsourcing, they may initially outsource only the non-core activities. देखिए अभी क्या बोल रहे हैं कि जहां तक ऑर्गेनाइजेशन वेंचर की बात है, इफ दे वांट टू एक्सपेरिमेंट दैट एक्सपेरिमेंट शुड बी डन ओनली विद नॉन कोर एक्टिविटीज। एज द ऑर्गेनाइजेशंस वेंचर टू एक्सपेरिमेंट विद आउटसोर्सिंग, दे मे इनिशियली, यानी उनको स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, आउटसोर्स, दैट आउटसोर्सिंग शुड बी डन ऑफ नॉन कोर एक्टिविटीज, नॉट फॉर कोर, कोर को बिल्कुल आउटसोर्स ना करें, दे कैन आउटसोर्स ओनली द नॉन कोर एक्टिविटीज। बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में क्या हो सकता है, एज दे बिकम कंफर्टेबल विद मैनेजिंग इंटरडिपेंडेंसीज, माने एक दूसरे पर जो निर्भरता है हमारी, उसको अगर वो मैनेज कर पाते हैं, दे मे स्टार्ट इवन द कोर एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द आउटसाइडर्स, इन दैट केस इफ दे फील कंफर्टेबल,
इफ दे आर रियली इन कंडीशन टू एक्सेप्ट दैट द कोर एक्टिविटीज ऑल्सो दे कैन बी आउटसोर्स दे कैन डू. फॉर एग्जाम्पल द स्कूल मे टाई अप विद सम कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू इम्पार्ट कंप्यूटर एजुकेशन टू इट्स स्टूडेंट्स. एंड आई टेल यू इन मैनी स्कूल्स इट हैपन्स दैट देयर कंप्यूटर टीचर नेवर रिमेन्स द पार्ट ऑफ द स्कूल. दैट कंप्यूटर टीचर इज मैनी ऑफ इन मैनी ऑफ द स्कूल्स इज प्रोवाइडेड बाय सम कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. एंड आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस इज द ओनली रीजन दैट फ्यू लाइन्स वेरी लेस मटीरियल आई हैव टेकन इन वन स्लाइड. अगेन लिसन. फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स में टाई अप विद सम कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू इम्पार्ट फॉर कंप्यूटर टू इम्पार्ट कंप्यूटर एजुकेशन टू इट्स स्टूडेंट्स. थर्ड नंबर प्रोसेसेस मे बी आउटसोर्स्ड टू अ कैप्टिव यूनिट और अ थर्ड पार्टी. ए नंबर कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर्स. देखिए क्या क्या चीजें कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर्स. अ लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस डील्स इन डाइवर्स प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स देम टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस दे डील इन मैनी प्रोडक्ट्स इन मैनी मार्केट्स इन मैनी कंट्रीज. A number of processes such as recruitment, selection, training, record, and payroll, human resource management of accounts receivable and accounts payable, accounting and finance, customer support grievance, handling and troubleshooting, marketing are common to all its subsidiaries operating in all different countries. NOC. There are the processes which are to be done, and these are done in every organization, whether they are big or small. If these processes could be centralized and parallel out to a business unit created especially for this purpose, दिस वुड रिजल्ट इन अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब ये देखिए यहाँ पे उसका बेनिफिट बता रहे हैं. इफ ऑल दीज प्रोसेसेस आर सेंट्रलाइज माने कहीं एक जगह पर ये सारा काम होगा एंड पैरेलल मतलब वट एवर इज द प्रॉब्लम दैट विल बी सॉल्व सो द वर्ड इज रिटन सेंट्रलाइज एंड पैरेलल. सी If all these processes could be centralized and they are parallel out to a business unit created especially for this purpose, जो खाली इसी काम के लिए बनी है वो सारे की सारी आपकी business units, this would result in avoidance of duplication of resources. देखिए ना तो duplication माने double हो जाना काम का. resources duplication में नहीं होंगे and realization of efficiency. Efficiency will be realized and economies performance of the same activity on a large scale at one or a few select locations thereby resulting in substantial reduction of cost. Means the work will be done by whomsoever. There will be reduction in cost. And now listen, clearly therefore, if the task of performing some activities internally is sufficiently large, it may be beneficial for the firm to have a captive service provider. Captive service provider hona sabhi ke liye faydemand hoga. That is a service provider set up for providing services of a given kind. It means any one type of service will be given only to the one firm. It is very clear that the firm should be very big. The example that is given, it is C. It is of General Electric. GE is for instance. For instance means for example, the largest captive BPO unit in India for providing certain kinds of services to the parent company in the United States. As the GE service, dega that will be for
अभी देखिए बेटा, जो जीई कंपनी है वो सर्विसेज देगी, दिस इज द कैप्टिव बीपीओ यूनिट इन इंडिया एंड व्हाट आर दे डूइंग, दे आर प्रोवाइडिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ सर्विसेज टू द पेरेंट कंपनी, मींस जहां पे काम शुरू हो रहा है, जहां जो कंपनी काम को शुरू कर रही है दैट इज पेरेंट कंपनी एंड दैट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स, और जो भी उसकी सब्सिडरीज हैं अदर कंट्रीज में उनको डी नंबर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स, दीज प्रोसेसेस मे बी पार्सल्ड आउट टू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स हु ऑपरेट इंडिपेंडेंटली इन द मार्केट एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर फर्म्स टू, दीज प्रोसेसेस मे बी पैरेलल्ड आउट टू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स सर्विस प्रोवाइडर्स हु अभी देखिए यहाँ पर बात उनके उनके बारे में हो रही है, दोज पीपल हु आर डूइंग द वर्क इनडिपेंडेंटली इन द मार्केट एंड ऑल्सो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर फर्म्स हॉरिजॉन्टल्स, द हायर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स आर द पर्सन्स और द फर्म्स विच स्पेशलाइज इन सम प्रोसेसेस सच एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM एंड प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू अ वाइड बेस ऑफ क्लाइंट्स ऑफ कटिंग अक्रॉस इंडस्ट्रीज, सर्विस प्रोवाइडर्स आर कॉल्ड हिज ओन टर्म्स इन द सर्विस इट इज द आउटसोर्सिंग टर्मिनोलॉजी, सर्विस प्रोवाइडर्स आर कॉल्ड आउटसोर्सर्स एंड इन द टर्मिनोलॉजी द वर्ड इज यूज दैट इज आउटसोर्सिंग, वर्टिकल्स एज दे मे स्पेशलाइज इन वन और टू इंडस्ट्रीज एंड स्केल अप टू डू अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस फ्रॉम नॉन कोर टू कोर, दीज आर वर्टिकल्स, वर्टिकल्स कौन देखिए किसी दे आर डूइंग अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, वो नॉन कोर भी कर रहे हैं कोर भी कर रहे हैं, दोज विल बी नोन एज वर्टिकल्स एज दे मे स्पेशलाइज इन वन और टू इंडस्ट्रीज, मीन्स वो एक या दो इंडस्ट्री से मतलब लिमिटेड वर्क दे आर डूइंग फॉर लिमिटेड पर्सन्स दे आर डूइंग एंड स्केल अप टू अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, इट विल डिपेंड अपॉन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जॉब्स दे हैव ऑप्टेड फॉर बिकॉज दे आर सपोज टू बी स्पेशलाइज इन वन और टू इंडस्ट्रीज एंड स्केल अप, स्केल अप मैंने वो और भी ज्यादा काम कर सकते हैं अनडाउटेडली, और बहुत ज्यादा काम को उन्होंने क्या बोला है देखिए, द वर्क कैन बी कोर और नॉन कोर एंड देन दीज ऑल दे आर कॉल्ड एज वर्टिकल्स, लिसन टू योर होमवर्क, राइट एंड लर्न टूडेज टॉपिक्स वट एवर आई हैव टॉट यू, थैंक यू सो मच।